नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इंटरनेट हब। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल आईडी क्या होता है। वर्चुअल आईडी होता है वी आई डी जो होता है, वर्चुअल आईडी होता है। तो ये एक 16 डिजिट का कोड है आधार कार्ड के द्वारा दिया गया। इसमें आप अगर चाहते हैं कि आधार कार्ड आप किसी को ना दे के वर्चुअल आईडी दें तो KYC और बाकी काम इसमें कर सकते हैं। तो आधार कार्ड ने ये सुविधा दी कि वर्चुअल आईडी आप पर डे बना के पर डे अलग अलग वर्चुअल आईडी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू से काम होगा। आपको अपना आधार आईडी देने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इसे जनरेट कैसे करते हैं वो जानना है। पहले आ जाना आपको गूगल में और लिखना है आधार कार्ड और सर्च कर लेना। यहाँ पर सर्च करने के बाद देखिएगा पहला लिंक जो है फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि UID जिसे आधार कार्ड भी कहा जाता है। तो इसके साइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको देखना है माई आधार वाले सेक्शन में आ जाना है। इस सेक्शन में आने के बाद आपको देखना है कि यहाँ आधार सर्विस में आके वर्चुअल आईडी VID जनरेटर के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको आ जाना है आपके यहाँ पर दिखाई देगा आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड को हाइड कर दूंगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर नीचे कैप्चा आपको ध्यान से दे देना है। डालने के बाद नीचे जनरेट OTP ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर में आधार कार्ड लिंक है उसी पर जाएगा। अगर आपको पता नहीं कि आपके नंबर में मोबाइल आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, तो आप इसको मेरे चैनल पे एक वीडियो होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए सेंड OTP वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर OTP मेरे रजिस्टर नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर वेट कर लेना, अभी तक मुझे OTP प्राप्त नहीं हुआ है। OTP यहाँ पर देखिए प्राप्त हो गया मुझे। OTP डालने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, जनरेट VID और रिट्राई। मतलब कि यहाँ पर पुराना ही वर्चुअल आईडी को आप नहीं पता है तो उसे जनरेट कर सकते हैं, और न्यू। तो मुझे यहाँ पुराने वाला की कोई ज़रूरत नहीं, न्यू जनरेट करूँगा। आपको जैसा देख लीजिएगा न्यू जनरेट करना है कि पुराना। तो यहाँ पर फिर क्लिक करना ऑप्शन जनरेट वर्चुअल। तो अब वर्चुअल आईडी आपको मोबाइल पर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो आप इस तरीका से अपना वर्चुअल आईडी बना लेंगे। तो आज मैंने सीखा कि वर्चुअल आईडी कैसे बनाते हैं। जय हिंद।